So hello students, in the previous video we have studied till time zones. Now today we'll start with international dateline. The international dateline is fixed at 180 degree meridian by the International Meridian Conference held in Washington DC in USA. अभी तक तो हमने बात करी प्राइम मेरिडियन की, स्टैंडर्ड टाइम की, टाइम जोन्स की. अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है. इंटरनेशनल डेटलाइन जो है वो 180 डिग्री मतलब हाफ ऑफ द सर्कल. पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री एंड हाफ ऑफ द सर्कल इज 180 डिग्री. तो जब हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करते हैं और पूरे दूसरे अदर हाफ तक आ जाते हैं तो वो हमारा 180 डिग्री मेरिडियन होता है. ठीक है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, ये एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में. वहाँ पे डिसाइड हुआ कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होगी वो 180 डिग्री मेरिडियन पे होगी. वी इफ यू ट्रैवल टूवर्ड्स ईस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्रीज मेरिडियन टू 180 डिग्री वी विल बी 12 आवर्स अहेड एज वी know that 1 degree is equals to 4 minute, 180 degrees equals to 180 into 4 minute is equals to 720 minute is equals to 720 divided by 60 equals to 12 hours. Now I will explain this. अगर हम east की तरफ start करते हैं 0 degree prime meridian से, हम start करते हैं 0 degree से, ठीक है, और 180 डिग्री मरीडियन तक ईस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ, मतलब ऐसे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि 180 डिग्री पहुंचने के बाद, जीरो से 180 के बाद जब हम पहुंचेंगे तो देखेंगे कि हम 12 घंटे आगे हैं. ठीक है, 12 घंटे आगे मतलब कि अगर वहां पर दिन के 12 बज रहे होंगे, 12 नून होगा, तो आप उसमें 12 घंटे और प्लस कर देंगे तो कितना 12 AM मतलब मिडनाइट हो जाएगी उस पॉइंट पे. किस पॉइंट पे? 180 डिग्री पे. तो हम हमेशा 12 घंटे आगे होंगे किससे? 0 डिग्री मेरिडियन से. 0 डिग्री मेरिडियन से जब हम 180 पे बढ़ेंगे तो हमेशा 12 घंटे आगे होंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट. मैंने बताया था 1 डिग्री हम जब बढ़ते हैं तो हम 4 मिनट आगे बढ़ते हैं, और जब हम 180 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो कितना हम होगा 180 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 720 मिनट्स आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे. अब 720 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे? 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो आ जाएगा हमारा आंसर 12 आवर्स. सो वी विल बी 12 आवर्स अहेड. इन द सेम मैनर इफ वी मूव वेस्टवर्ड्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री वी विल लूज 4 मिनट्स पर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टिल वी रीच 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अब हमने अभी पढ़ा कि जब हम 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक मूव करेंगे तो हम 12 घंटे आगे होंगे, लेकिन यही 0 डिग्री से जब हम इस तरफ वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम 12 घंटे पीछे चले जाएंगे. अंडरस्टैंड? क्योंकि हर डिग्री पे हम 4 मिनट आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हर डिग्री पे 4 मिनट पीछे हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? As 180 degree is the common meridian for eastern and western hemisphere, the gain in the time by 12 hours in the east and the loss in the time by 12 hours in the west work out to make complete 24 hours. अब आपको पता है कि 180 degree hours जो 180 degree meridian है, ये common meridian है कि नहीं? क्योंकि ये western hemisphere में भी आता है और eastern में भी आता है. तो जो eastern में gain होता है 12 hours का और जो western में loss होता है 12 hours का, दोनों मिला करके एक 24 घंटा बनाते हैं. अंडरस्टैंड? तो पूरा एक दिन का टाइम कन्वर्ट हो जाता है. अब बात करते हैं द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू द आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज टर्म्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब आधा हिस्सा अर्थ का, मतलब कि 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ तक आएंगे ईस्ट की तरफ, यहाँ तक ईस्ट में बढ़ रहे हैं, ठीक है, आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक आ गए, तो उतना हेमिस्फीयर पूरा हिस्सा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा. अंडरस्टैंड? अब कौन कौन से कंट्रीज जो होती हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेजर पार्ट्स ऑफ यूरोप. कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है,
यूरोप के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं एंड अफ्रीका सारे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आते हैं. इसी का ऑपोजिट मान लेंगे तो वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा. अदर हाफ पार्ट मतलब कि ये 0 डिग्री है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे वेस्ट की तरफ. अब हम सर्किल का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, कितना 180 डिग्री तक. तो वो हमारे जितना भी एरिया कवर करेगा वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा 180 डिग्री तक, ठीक है. अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं यहाँ पे? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड द स्मॉल पोर्शंस ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है. वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है और यूरोप को और अफ्रीका का कुछ हिस्सा है जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है. अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट सर्कल. इस चैप्टर को पढ़ने में हमने कई बार ग्रेट सर्कल का इस्तेमाल किया है कि ग्रेट सर्कल होता क्या है, वर्ड का इस्तेमाल किया है कि नहीं. ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ हूज प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. फॉलोइंग आर द ग्रेट सर्कल. अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सर्कल, जब हम अर्थ में कोई सर्कल बनाते हैं, चाहे वो हम हॉरिजॉन्टल बनाएं चाहे वो हम वर्टिकल बनाएं, जो सबसे बड़ा सर्कल होता है वही कहलाता है ग्रेट सर्कल. तो एक अर्थ पे काफ़ी सारे हम सर्कल्स बना सकते हैं जो साइज में बराबर होंगे, लेकिन अलग अलग एंगल से बनाया जा सकता है उनको, अलग अलग प्लेसेस पे बनाया जा सकता है. कौन है वो ग्रेट सर्कल्स? देखिए द इक्वेटर. इक्वेटर तो है ग्रेट सर्कल, ये सभी को पता है कि इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल एज द इक्वेटोरियल प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. इक्वेटोरियल प्लेन सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से पास होता है ना, अर्थ का बीचों बीच का हिस्सा जो होता है सेंटर होता है, वहां से जो भी सर्कल पास होगा वो हमारा ग्रेट सर्कल कहलाएगा, ठीक है. तो हमारा इक्वेटर भी सेंटर से पास होता है. अब एनी टू मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑपोजिट टू ईच अदर टुगेदर फ्रॉम सर्कल, ठीक है, टुगेदर फॉर्म ग्रेट सर्कल. अब कोई भी दो मेरिडियन, मैंने आपको बताया था ना एक मेरिडियन सेमी सर्कल होता है, तो दो मेरिडियन मिला के फुल सर्कल बन जाते हैं. तो कोई भी मेरिडियन आप ले लीजिए, कोई भी दो मेरिडियन मिलकर एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है, और इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, ये भी ग्रेट सर्कल्स है हमारे. द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेरिडियन टुगेदर फ्रॉम द ग्रेट सर्कल. मेरिडियन के जो ये जितने भी पेयर लिखे हुए हैं मैंने, ये क्या है आपके ग्रेट सर्कल कहलाते हैं. जैसे कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक हमारा ग्रेट सर्कल है. 30 डिग्री वेस्टर्न साइड से लेकर 150 ईस्ट तक हमारा क्या है, ग्रेट सर्कल है. 60 डिग्री वेस्ट से 120 ईस्ट तक हमारा क्या है, ग्रेट सर्कल है. 90 डिग्री वेस्ट से लेकर 90 डिग्री ईस्ट तक ग्रेट सर्कल है. 120 डिग्री वेस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट तक ग्रेट सर्कल है. 150 डिग्री वेस्ट से लेकर 30 डिग्री ईस्ट तक हमारा ग्रेट सर्कल है. तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बेसिकली आपको लर्न करना पड़ेगा ये. तो ये जितने भी मैंने पेयर लिखे हैं ये हमारा ग्रेट सर्कल बनाते हैं, ठीक है. अब देखिए ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन. ग्रेट सर्कल को मैंने आपको अभी बताया ना, किसी भी डायरेक्शन पे बना सकते हैं सर्कल पे, चाहे हम ऐसे बना दें कैसे, जिस तरह से हम चाहें उसको किसी भी डायरेक्शन पे बना देंगे, गिवन दैट अ प्लेन ऑफ द अर्थ शुड पास थ्रू द सेंटर. लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी सर्कल हम बना रहे हैं वो अर्थ के बीचों बीच से पास होना चाहिए. अंडरस्टैंड? ऑल ग्रेट सर्कल्स कैन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हेमिस्फीयर्स. अब एक ग्रेट सर्कल की ये भी एक खासियत है कि कोई भी ग्रेट सर्कल हो, चाहे आप जिस डायरेक्शन में बनाएं, वो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है. अंडरस्टैंड? दिस इज द यूनिकनेस ऑफ अ ग्रेट सर्कल. अब बात करते हैं स्मॉल सर्कल्स की. व्हाट आर स्मॉल सर्कल्स? जितने भी ग्रेट सर्कल हैं, ठीक है, ग्रेट सर्कल को छोड़ दीजिए, जो बचते हैं हमारे पैरेलल लैटिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की तो बात करेंगे ही नहीं. स्मॉल सर्कल्स में हमेशा क्या होते हैं, हमारे लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है. तो जितने भी हमारे ऑल द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एक्सेप्ट द इक्वेटर, इक्वेटर को छोड़कर जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, स्मॉल सर्कल्स. एंड द टू पोल्स आर कंसिडर्ड एज स्मॉल सर्कल. दो पोल्स को भी छोड़ेंगे, क्योंकि पोल तो सर्कल नहीं है ना, इक्वेटर सर्कल है, लेकिन इक्वेटर सबसे बड़ा है तो वो ग्रेट सर्कल है. और पोल से पॉइंट्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे आर नॉट द सर्कल्स, इसीलिए हम उनको भी नहीं मानेंगे. तो इक्वेटर को छोड़कर, पोल्स को छोड़कर जितने भी हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं वो हमारे क्या है, स्मॉल सर्कल्स हैं. एज वी कट द अर्थ अलोंग दीज टू सर्कल्स द प्लेन विल नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ.
क्यों? क्योंकि जब हम इन दो सर्कल्स को काटेंगे, ठीक है, दो सर्कल्स को मान लीजिए हम कट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, कभी भी अर्थ को दो पार्ट्स में, पहली बात तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, दूसरा वो सर्कल कभी भी अर्थ के सेंटर से पास नहीं होगा, ठीक है, बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं अर्थ के सेंटर से पास नहीं होते हैं, इसीलिए दीज आर स्मॉल सर्कल्स। एग्जाम्पल कौन कौन से, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द आर्कटिक सर्कल एंड द एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। नाउ व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 50 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री साउथ, दीज आर द अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड विच आर स्मॉल सर्कल्स। तो जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, स्मॉल सर्कल्स, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस आर गिवन इन द पीडीएफ ऑफ चैप्टर 3। एक पीडीएफ मैंने चैप्टर 3 की प्रिपेयर करी है एंड वो पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी, यू विल गेट थ्रू द व्हाट्सएप इन योर ग्रुप, तो उस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस सॉल्व मिल जाएंगे, तो यू हैव टू कॉपी दैट इन योर कॉपीज, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू।